नमस्कार, मैं हूं संजू। आप सभी को स्वागत करता हूं मिस्टर एस के बेरा यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक नया टॉपिक में वीडियो बनाए हैं हीटर के ऊपर। पहले मेरा जो पुराना वीडियो था उसमें मैं सेविंग ब्लेड में हीटर बनाया था, वो भी कम पानी से। और अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर पता होगा क्या हुआ था। वो वीडियो में हम बनाए थे जो सिंगल फेज और डबल फेज का सेविंग ब्लेड में। आज हम फिर से हेक्सो ब्लेड में हीटर बनाए हैं, सेम सिंगल फेज और डबल फेज का। आज हमारे सामने देख पा रहे होंगे, इस बार थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी रखे हैं बड़ा करके। ये मेरे पास 200-200 लीटर का दो बैरल है, इसमें हम खोल पानी रखे हैं। आज इसके मदद से, मतलब सिंगल फेज डबल फेज, इसमें आज हम हीटर बनाएंगे। देखेंगे वो कैसा काम करता है, कितना जल्दी वो पानी को उबाल देता है, आज हम देखेंगे। हमारी आज़ादी का 75 वर्ष पूरा होने पर पूरा देश मिलकर अमृत महोत्सव मना रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान से। हम आशा करते हैं पूरा देशवासी हर घर तिरंगा अभियान से जरूर जुड़े होंगे। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें हम ये है टू फेज का हीटर बनाए हैं इसको। इसमें हम क्या किए हैं, चार किल में फ्यूज का भी सिस्टम किए हैं। कुछ भी होता है तो हमारा ये फ्यूज उड़ जाएगा, इसलिए हम सेफ्टी के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किए हैं। और ये साइड में सिंगल फेज का है, इसमें भी सेम है फ्यूज सिस्टम रखे हैं। और ये दो हेक्सोब्लेड का ऐसे वाला हम स्टैंड बनाए हैं हीटिंग करने के लिए। अब ये है सिंगल फेज, सिंगल फेज को भी हम सेम पानी में डाल देते हैं। ये दोनों बैरल पर 200-200 लीटर का पानी रखे हैं हम लोग। पहले हम टू फेज का हीटर चालू करेंगे, इसलिए हम मल्टीमीटर से माप लेते हैं टू फेज आ रहा है कि नहीं इसमें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें 406 करंट बता रहा है, इसका मतलब हमारा टू फेज आ चुका है। अब हम ये एमसीबी को ऑन करेंगे, देखेंगे हीटर काम करता है कि नहीं करता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हम एमसीबी ऑन कर चुके हैं, इसका आउटपुट भी चेक कर देता हूँ। देख पा रहे होंगे 395, मतलब टू फेज जा ही रहा है। अब देखते हैं, इसका स्टॉपवॉच भी अभी हम चालू कर दिए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अभी वो ब्लेड के पास से बुलबुला चालू हो गया है या ना। पहले हम इसका करंट चेक कर लेते हैं, सिंगल फेज में कितना करंट आ रहा है। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में 230 बता रहा है, इसका मतलब सिंगल फेज आ गया है। अब सिंगल फेज को चालू करते हैं और स्टॉपवॉच इसमें भी हम रखे हैं, ऑन करते हैं एमसीबी। स्टॉपवॉच भी ऑन कर दिए हैं। अभी आप देख सकते हैं इसका आउटपुट 224 बता रहा है, तो सिंगल फेज जा रहा है। अब आगे देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे इसमें भी हम लगाते लगाते इसमें भी बुलबुला चालू हो गया है निकलना ब्लेड के पास से। ये भी वर्किंग कर रहा है। अभी आप देख पा रहे होंगे ये साइड वाला जो है टू फेज का स्टॉपवॉच चालू है, और ये जो है इसमें सिंगल फेज का स्टॉपवॉच चालू है। अब ये देखेंगे कि हम कितना टाइम में ये 200 लीटर पानी को हम गर्म कर सकते हैं टू फेज और सिंगल फेज हीटर में। और हम पानी चेक करने के लिए एक थर्मोमीटर भी लाए हैं, टेम्परेचर चेक करने के लिए पानी का। A few moments later. जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हमारा 43 मिनट हो गया है और बारिश भी आना चालू हो गया है। अभी हम इसको देखेंगे ये बैरल में हीटिंग कितना हुआ है। अब देख पा रहे होंगे पानी कैसे उबलना चालू हो गया है ऑलरेडी। अभी हम थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे ये 63 डिग्री पानी हीट हो चुका है।
अभी और भी इसको उबालेंगे, देखेंगे ये कितना मिनट में फुल उबल जाता है। अभी ये सिंगल फेज का स्टॉपवॉच है, 43 मिनट हो गया है। अभी हम सिंगल फेज का जो हीटर है उसका टेम्परेचर देख लेंगे, उसका टेम्परेचर कैसा है। ये भी मतलब डबल फेज के मामले में तो बहुत कम स्लो में ही पानी को हीट कर पा रहा है। अभी हम देखते हैं इसका टेम्परेचर कितना आया है। देख पा रहे होंगे ये बहुत स्लोली पानी को हीट कर रहा है, मतलब ना के बराबर बोलने पे चलेगा। अभी इसका 35 डिग्री हीटिंग हुआ है बस, इसका मतलब टू फेज बहुत फास्ट हीटिंग करता है सिंगल फेज के तुलना में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइज, अभी जोर से बारिश भी चालू हो गया है। अभी 1 घंटा 45 मिनट हो गया है। अभी देख लेते हैं इसका टेम्परेचर कैसा है। अभी देख सकते हैं पानी में भाप आना और पानी उबलना कितना जोर से चालू हो गया है। अभी हम इसका टेम्परेचर चेक करके बंद करेंगे उसके बाद, क्योंकि जोर से बारिश चालू हो गया है। अभी आप देख पा रहे होंगे ये 91.3 डिग्री सेल्सियस हीटिंग हो गया है। अभी हम बंद करेंगे क्योंकि जोर से बारिश भी चालू हो गया है और जितना पानी हीट हो रहा है उतना पानी ऊपर से गिर के उसको ठंडा कर दे रहा है। अभी हम सिंगल फेज भी देख लेंगे वो कितना हीट हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये भी 1 घंटा 45 मिनट हो गया है। इसका टेम्परेचर कितना है एक बार देख लेते हैं। इसका तो अभी तक नॉर्मल हीटिंग चालू है, बस हल्का फुल्का बुलबुला ही चालू है, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं है इसमें। फिर भी एक बार टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये 45.7 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ है। इसका मतलब इतना कुछ ज़्यादा वर्किंग नहीं है, लेकिन टू फेज बहुत जल्दी हीटिंग आया था। टू फेज सक्सेस है हीटिंग के लिए, 200 लीटर पानी को हीटिंग कर सकता है आराम से 1 घंटा 45 मिनट में 100 डिग्री तक कर ही लेगा, क्योंकि अभी बारिश हो रहा है इसलिए पानी बहुत जल्दी ऊपर का पानी भी गिर के ठंडा हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे थे हमने टू फेज और सिंगल फेज का हीटर डाले थे, अभी बारिश भी जोर से चालू हो गया, नहीं तो और भी देर तक रहते। देखते कि ये कितना देर तक पानी को पूरा खोलाता है सिंगल फेज भी। अभी जोर से पानी चालू हो गया इसलिए हम बंद कर रहे हैं अभी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक मिलते हैं किसी नया टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।